प्रेशर बनाओ था हालत देखो इसकी गाड़ी के ऊपर टपके पड़ गए थे, देखो रच गए। ये देखो ये है वो दो दाटी, फुल बारिश आने लग रही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज अभी अपने को जाना है सलासर। सलासर जो 3-4 महीने पहले गया था, तो अभी काफी टाइम हो गया था, तो आज संडे था, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बने रहना आप भी हमारी इस वीडियो के साथ में। और इस छोरन देख लो, गुट्ठा लेना सीख गया ही, दिन देखन को रात यो, जिस जब भी टाइम मिल जाए ना गुट्ठा लेने लग जाए मुँह में। हैं और कि मैं काम कौन के तने, हाँ भाई और कि मैं काम कौन के, बाबा चल लगा तू, बाबा के चल लगा, बाबा के चल लगा चल लगा कुकर करा नू जाऊ मैं लेट हो जाऊंगा। गाड़ी जो है वो आप अपनी लेके चलेंगे और साथ में चलेंगे यार दोस्त हैं, टोटल 4 लोग जा रहे हैं हम लोग, तो अभी भी बैठक में बैठे हैं यहाँ पे, उनको बुलाते हैं और चलते हैं। फिर बोल करते हैं भाई, यहाँ से डलवा लेते हैं तेल, फिर अपने को कहीं पर रुकना ही नहीं पड़ेगा। देखते हैं, वैसे तो टंकी भरवा रखी थी अपना ने, ज़्यादा तेल तो नहीं आवा है, 500-700 रुपए का आएगा या 1000 तक का आएगा बस। ये टाटा की जितनी भी गाड़ी नहीं, कौन सी गाड़ी ले ली है, सारे हम किसी में किमें बनेड़ा पावा, किसी में किसी में बने किमें बनेड़ा पावा, इस तरह सारे हम बन रही है साइन से। और तेल आया अपनी गाड़ी में 1140 रुपये का, फुल होगी ऑटो कट तक। यह आ गया अपना जर्नी का पहला टोल, ये टोल लगना तो है नहीं अपना, लगे तो राजस्थान वाला ही गा। फास्टैग का कर दिया अपना जुगाड़, अब जो अपना टोल नहीं कटेगा और आप पार कर लेंगे फ्री में ही। अपने से ती जो जावे है इनकी शक्ल तो दिखाई को नहीं एक सुशील है, सुमित है और राकेश है, चारों के चारों जान लग रहे हम। और हमने क्रॉस कर लिया अभी शिवानी, अपनी गाड़ी एवरेज दिखाने लग रही है 29.9 की, तो आज इसकी एवरेज टेस्ट भी कराएं कितनी तक जा गई है, देखते हैं। 30 तक तो जाएगी है मीटर के अंदर ही है, अब देखते हैं आगे कितनी जाएगी कितनी नहीं। और यह जो एवरेज था ना, ये टाटा वाला बंदा पाँच से बैठे है, वो मानन को लग रहा था स्पेशल एवरेज देखना है भाई साहब आज स्पेशल वीडियो बनाई थी इसका, एवरेज बुलाया भाई पूरी 30 की होगी है, अब देखते हैं कितने तक जाके कितने तक नहीं आ। और ये हो गया राजस्थान स्टार्ट, राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो गई यहाँ से, और टिब्बे देखने भी शुरुआत हो गई है। इस साइड पे बनने लग रहा है 4-लाइन रोड, अभी बनाया तो नहीं है, 5-6 महीने और लगा ही देंगे, फिर ये धुरसलासर का रास्ता 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। और ये आ गया राजस्थान का टोल, राजस्थान का पहला टोल आ गया। और यहाँ पर तो है ना बारिश आई हुई है, सुबह की आई है, देखो कितनी आई कितनी, 5-7 आंगड़ तो लगन लग रही, क्योंकि ये देखो मौसम भी मस्त हो रहा है आज, तो धूप वगैरह तो अभी तक तो निकली नहीं है और आगे भी आस कम ही है निकलन की, क्योंकि बदलवाई भी हो रही है। गाड़ी की एवरेज जो वो 30 से ऊपर को नहीं हुई, क्योंकि मीटर में मन लगा 30 है, इस तरह फालतू को नहीं। और अभी रुके हैं एक बारी चाय वगैरह पीण खातर इस होटल पर, हरा दूध हुआ के पास में चाय वगैरह पीते हैं फिर चलते आगे। था क्या इसका मेनू तो बता दो भाई ने वो कम पानी कर रहा था टंकी में इसने गालना था पानी और गाल दी यो यूरिया पड़ी, यूरिया है क्या इसका मैं यूरिया कर दिया पानी प्रेशर बनाओ था
हालत देखो इसकी। पूछ ले सुशीला के कर गाड़ी के ऊपर टपके पड़ गए थे देखो रच गए ना बुढ़ा की दरखास्त कौन देवा बुढ़ा तो रहा मामने रोज आना है। मारा तो घर तक लिकट के आंदे आड़ स्टॉपेज पहला आड़ बनावा मम्मी। तो राकेश किसा महसूस हो रहा है? उल्टी पड़दी तो कोनी होगी बता दिए ये बीबी तो आप चोरू में हॉस्पिटल में ले चल लांगे कौन जोर थे पेट दुख रहा किसका मेरा पेट दुख बोला मेरा पेट दुख। ये चोरू बाईपास पे बना रखा डिब्बा इसके ऊपर पर्यटक आवे है देखने खातिर इसने चलो एक अपना भी आगे पूरी रौनक हो रही तो इसके ऊपर ऊट आट के सारे की सारी पहले तो ये बहुत ऊंचा होया करता इब तो फिर भी नीचा कर दिया इन्हें अब तो गाड़ी वगैरह सीधी ऊपर चढ़ जाए पहले तो पैदल भी नहीं चढ़िया जाया करता इसके ऊपर। और आप पहुंच गए हाँ दो दाटी धाम पहले दो दाटी धाम धोक लगावा ही फिर आगे सलासर की तरफ चलेंगे क्योंकि शाम को आते टाइम लेट हो जावा उससे बेटर तो यही है कि अभी लगा दें। ये मंदिर आ गया दो दाटी धाम का ये है बार का दर्शन यो अपने के लाया था के मालिक है तो आदमी को नहीं अपने पीछे मांगला रे दया उनने ये मंदिर है प्रसाद ले लो बैठ जा शांति होगी पूरी बैठ जा दरी पे किन्ने चढ़ाओगे नारियल ओड़े नारियल जे जाटी के कारण ये मंदिर प्रसिद्ध है वो दो जाटी वहां पर है दिखाते हैं वो भी आपको अभी वो आगे दिख रही हो तो आपको यहाँ पर तो धोख लगा ली हमने अब लगा रहे जा रहे हैं दो जाटी की धोख लगाने के लिए। ये देखो ये है वो दो दाटी इस एक दांडी के अंदर ही दो है नीचे से मिली थी। ये देखो पूरी विशाल दांडी है इस दांडी के कारण ये मंदिर प्रसिद्ध है दो दाटी धाम बोलते हैं इसको। और ये जो अपना राकेश है ये नारियल बांधने लग रहा है के मन्नत मांगी है ये दोनों इस साइड भी जुट रही है खोल के भी जाना हो फिर और उस साइड में धुना है बालाजी का ये बना रखा मंदिर एक छोटा यहाँ पे चलते हैं साला सर बालाजी के मंदिर में दो दाटी धाम पे यहाँ पे लगा लिया हमने धोख अब रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना सीधा चलेंगे अंजनी माता ही धोक लगाएंगे पहले फिर हनुमान जी की किन्ने दिक्कत है पेट दुख है तेरा ना? तेरा आज सब कुछ माफ है कोई दिक्कत को नहीं। गाड़ी जो सुमित चलाओ भाई आपा बैठा है बादशाह आराम थे 85 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से चला सर इतना सुमित चलाओगा और रस्ते में कटवाना अपना पॉल्यूशन गाड़ी का 4 महीने हो गए पॉल्यूशन खत्म हो रहा है एक दिन पहले भी ट्राई करी थी और आज भी ये मान के चलो 50-60 किलोमीटर आ लिए कोई पोल्यूशन वाला मिलन को लग रहा देखते हैं कहाँ पे मिलता कहाँ पे नहीं। ये फोटोग्राफर बन गए सही मौसम है टिप्पा बीच में गाड़ी रोक के साला सर में एंट्री होगी यहाँ से बस यहाँ से अब 3-4 किलोमीटर ही बचता है बालाजी का मंदिर
प्रसाद लिए अपना ले अंजनी माता ही दोख लगावांगे अब। और भीड़ जो है आज भी पूरी की पूरी हो रही है यहाँ पर, इतनी है तो हनुमान जी वाला मंदिर में तो और भी ज्यादा मिलेगी। ये देखो ये अंदर से मंदिर है माता रानी का, अभी लगा लेते हैं धोख और फिर चलते हैं हनुमान जी के मंदिर में। अंजनी माता ही धोख लिए लगा अपना ये हनुमान जी की लगान खातर चलेंगे। और भीड़ जो है वो पूरी है, देखते हैं वहां पर कितनी मिलती कम कितनी नहीं। और ये मूर्ति है हनुमान जी की, पूरी बड़ी मूर्ति आ लिए थे लेकिन अपने को आगे जाना है तो लेट हो जाए, इस करके अभी धोक लगाते हैं और फिर आगे चलते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा दी और बारिश आने लग रही बाहर, तो बैठे हैं गाड़ी के अंदर के इलाज। ये देखो है लेके आओ यार, ये बैठे रहो बूंद ना तो मैं इतने तक फुल बारिश आने लग रही है। अगली पार्किंग में लेके जावा गाड़ी ने के बरा ओड़ा जगह पा जाए और बारिश कम हो जाए कुछ, कि मैं तो कम भेजना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो थम गई बारिश लेकिन अभी भी आने लग रही है। हिम्मत सी करके हमने तो एंट्री मार ही ली, नहीं तो फिर आगे जावा तो आगे लेट हो जाओ यार। सीधे डायरेक्ट अंदर आ गए क्योंकि सारे गेट खुले पड़े हैं अभी तो। लाइन तो पूरी लाग रही है अपनी, तो दो मिनट में ही धोख लगी। चलो फ्रेंड धोख लिया अपना मार, और बारिश जो अभी भी एज इट इज आने लग रही वैसी की वैसी। और जाम जो पूरा लग रहा है कुछ तो बारिश का कारण, और कुछ इस साइड में भीड़ भड़ाका है ही, गाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है। चलो फ्रेंड जाम से कहीं निकल और करते इस वीडियो को यहीं पर एंड, और अगला एपिसोड जो है अपना वो हर्ष पर्वत का और जीर्ण माता मिलेगा। तो बने रहना आप भी हमारी इस वीडियो के साथ में।